जब तक हम सब साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो नतीजे में नहीं आ सकते। अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो पूरे साथ मिलकर करेंगे, ड्राइवर ने ड्राइवर के साथ ट्रांसपोर्ट का और बोनस सब मिलकर वर्क करेंगे। पहले जो इंजर्ड होता है उसके लोग तो बाद में आते, पहले रोड पे जो पब्लिक रहती उसको मारती। सभी भाइयों को ट्रांसपोर्ट लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुरदित सिंह, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों, कर्नाटक के अंदर एक मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर ये बताया जाता है जो हम इंश्योरेंस कराते हैं 50 से 60 हज़ार रुपये की, वो किस लिए कराते हैं। तो पहले इनकी जो बात सुनिए, फिर उसके बाद आगे की चर्चा हम करते हैं। ये बात ये लोग जो है मीडिया में आता है, शादत बोलेंगे तो ड्राइवर को थोड़ा इत्मीनान होगा, वो लोग डर रहे हैं अभी वो एक्सीडेंट करके 10 साल जेल को जाने के लिए कौन तैयार होगा। 7 लाख रुपए अगर ड्राइवर के पास तो गाड़ी क्यों चलाएगा। तो ये चीज गवर्नमेंट जो है ना आकर मीडिया में आकर बोलेगी तो ड्राइवर को जो है समझ होता है, गाड़ी को भी आ सकते हैं। अभी ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भाई स्ट्राइक खत्म हो गई, लेकिन कुछ जगह पे चालू है कुछ जगह पे बंद है। अगर हम पूरे एक साथ मिलकर स्ट्राइक करेंगे तो अपन नतीजे भी आ सकते हैं, इसके ऊपर वो लोग कोई ये नहीं कर रहे। दूसरी चीज अभी आरटीओ इंस्पेक्शन, अभी पहले जो है ना आदमी अगर मर गया तो आरटीओ स्टेशन तो बच गया। तेलंगाना में हर जगह पे अभी इंजर्ड भी हो गया तो उसको आरटीओ इंस्पेक्शन करा है, उसमें क्या हो जा रहा है आरटीओ सर 5,000 7,000 फीस मांग रहे, फिर पुलिस वाले फिर लाइन का भी इनका इंस्पेक्शन देना, ये ड्राइवरों के ऊपर लारी वालों के ऊपर ये कुछ चर्चा पड़ जा रहा, ये लारी का धंधा करना नहीं करना समझ में नहीं आ रहा है। इसके ऊपर कोई नहीं कर रहे। दूसरी चीज एक्सीडेंट हो गया तो बीजेपी गवर्नमेंट बोलेगी ड्राइवर जो है इंजर्ड पर्सन को अस्पताल लेकर जाना, पहले जो इंजर्ड होता है उसके लोग तो बाद में आते, पहले रोड पे जो पब्लिक रहती उसको मारती, ड्राइवर को नहीं मारती है सुरेश को देना, ड्राइवर को भी तो उसको भी होना ना, उसकी भी जान का खतरा है ना। अगर वो ठहरेगा तो कोई आके पब्लिक उसको अरे एक्सीडेंट करा बोलते मार देते, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रही। पहले तो ये इंश्योरेंस इसलिए बनाते हैं कि किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस नहीं देना, 50,000 रुपए देके इंश्योरेंस बना रहे हैं, क्योंकि बापे को इंजर्ड करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। 50,000 देके इंश्योरेंस इसलिए बना रहे हैं सामने वाले को नुकसान हुआ तो उसको फायदा होना चाहिए, गवर्नमेंट को इंजर्ड करने की जरूरत नहीं है। नॉट नेसेसरी ये इंजर्ड कर करके हमारा कारोबार खराब कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है तकरीबन यूनिट है, सबकी राय अलग अलग रहेगी, कोई एक दूसरे से मिलकर नहीं। जब तक हम सब साथ मिलकर काम नहीं करेंगे कोई नतीजे में नहीं आ सकते। तो मैं तमाम यूनियन के लोगों से यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो पूरे साथ मिलकर करेंगे, ड्राइवर ने ड्राइवर के साथ ट्रांसपोर्ट का और बोनस सब मिलकर वर्क पे करेंगे। मैं तेलंगाना में कर्नाटक में मैं जितना हो सकता हूँ मैं सभी को वर्क पे निकलने तैयार हूँ, मैं आप लोगों का साथ चाहिए, शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर जगह जो है प्रोटेस्ट जारी है। इनका ये भी कहना है कि अगर अकेले बंदे मान लो अलग अलग यूनियन प्रोटेस्ट कर रही है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, एकदम जैसे पहले स्ट्राइक की है उस तरीके के स्ट्राइक करनी चाहिए, तब जाकर ये मसला हल होगा। और उन्होंने बताया कि जो हम 50,000 रुपये की इंश्योरेंस कराते हैं वो किस लिए कराते हैं, मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद जो जिसके आगे चोट लगती है जो आगे वाला व्यक्ति है उसको जो इंश्योरेंस है जो पैसा पे करती है, लेकिन यहाँ पे जो 7 लाख जुर्माना वो क्यों लगाया गया, वो ड्राइवर के लिए मान लो जुर्माना 7 लाख रुपये कहाँ से पे करेगा ड्राइवर। और इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं थी, जब एक्सीडेंट के बाद जब ड्राइवर वहाँ पे खड़ा रहेगा उसको पीट पीट के जो है वहाँ पे पब्लिक मार देती है, लेकिन जो इंश्योरेंस है इंश्योरेंस हम किस लिए कराते हैं। जब इंश्योरेंस हमारी बंद कर दी है 50 से 60 हज़ार रुपये गवर्नमेंट को हर वर्ष जो है ट्रक मालिक जो है टैक्स पे करता है और कई टैक्स जो है पे करता है, सारे कागजात गाड़ी के ओके होते हैं, उसके बाद भी अगर 7 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाए तो ये काफी धंधे को जो है चौपट करने वाला काम हो चुका है, जैसा कि वहां पे कर्नाटक में एक मीटिंग हुई है। तो उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस किस लिए होती है, इंश्योरेंस के बारे भी जो है चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है हर जगह कभी 17 जनवरी को प्रोटेस्ट या चक्का जाम की बात की जाती है, लेकिन सभी को इकट्ठा होकर जो है एकदम से जो है सरकार से जो है मांग करनी चाहिए कि ये जो बिल आए हैं काले कानून जिसको नाम दिया इनको जो है वापस लेना चाहिए। तो ये सारी यहाँ पे मीटिंग में चर्चा हुई है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस मीटिंग के बारे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह हम देश में हर जगह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर की भाइयों आवाज उठाते रहते हैं। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाए, तभी आपके पास हमारी तुरंत जो है भाइयों वीडियो पहुंच जाती, नोटिफिकेशन आ जाता है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।